हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर नीट सुप्रीम। तो एससी का फैसला भी आ चुका है एंड गवर्नमेंट रेडी है नीट एग्जामिनेशन लेने के लिए। अभी पता नहीं है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, बट हमें अपनी तरफ से रेडी रहना पड़ेगा। और उसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ बायोलॉजी, क्योंकि 50% जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो बायोलॉजी से होते हैं। सो बायोलॉजी का पूरा रिवीजन आपके पास होने चाहिए, जो जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट या फिर ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके नोट्स मैं आपको नोट्स के साथ रिवीजन करवा रहा हूँ। हम अभी हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, चैप्टर 5 जो है आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का। तो उसमें हम रिवीजन कर रहे थे, हम रूट सिस्टम मतलब इंट्रोडक्शन से लेके रूट शूट सिस्टम, प्लूम्यूल रेडिकल जो आपके सीड है उसके बारे में, और रूट सिस्टम उसकी मॉडिफिकेशन सबके बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर ऑन शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, और उसमें जो मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की, मॉडिफिकेशन बेसिकली टेंड्रिल में हो सकती है या फिर थॉर्न में हो सकती है, फाइलोक्लेड, क्लेडोड, और कुछ कई बार जो है ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि स्टोरेज के लिए हो सकता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है। तो इन ये सब चीज़ें कैसे होती हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं, राइट। तो आज जो है हम स्टेम के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टेम की क्या बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, और साथ ही साथ जो डिफरेंट इनकी मॉडिफिकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो जो स्टेम है ये बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले तो ये जो है असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बेयरिंग नोड्स इंटरनोड्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स। तो ये जो है असेंडिंग पार्ट यानी कि ऊपर जा रहा जो पार्ट होता है ऑफ द एक्सिस। यहाँ पे अब एक्सिस की बात क्या है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये एक्सिस है एक्चुअली एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये प्रेजेंट होती है सीड के अंदर, डायकॉटिलेडन सीड के अंदर ये ज़्यादा इजीली आपको दिखाई देती है, जो दो कॉटिलेडन है इनके बीच में आपको दिखाई देगा ये एक एक्सिस, जिसका नीचे वाला पार्ट जो है कहलाता है रेडिकल, जो कि आगे चल के रूट फॉर्म करता है, एंड जो ऊपर या फिर असेंडिंग पार्ट है उसे कहते हैं प्लूम्यूल, जो कि आगे चल के आपका स्टेम फॉर्म करता है, राइट। देन हम इसके देखिए जो बेसिक कैरेक्टर है जो कि एक रूट को जो स्टेम है उससे डिफरेंशिएट करता है, ये बेसिक कैरेक्टर क्या है कि स्टेम में जो है नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी स्टेम है जिसके अंदर लीफ प्रेजेंट नहीं है, फ्रूट प्रेजेंट नहीं है, फ्लावर प्रेजेंट नहीं है, ऐसी आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी कई जो ट्रीज हैं प्लांट्स हैं उनमें, बट ऐसा कोई भी स्टेम नहीं हो सकता जिसमें नोड्स और इंटर नोड्स ना हो। ये नोड्स और इंटर नोड्स सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं बैम्बू प्लांट में, आपने देखा होगा बीच में ऐसे कुछ गांठ जैसी होती है, दो ऐसे ऐसे बीच में गांठें बनी होती हैं, आप ड्राइंग में भी बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, और उनके बीच में ओपन स्पेस होता है जहाँ पे कोई लीव्स ग्रो नहीं कर रही होती। ये जो नोड्स हैं, ये जो एरिया है इसे नोड कहते हैं, और यहीं पे आप देखेंगे दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं और यहीं से जो है लीव्स ओरिजिनेट होती है, राइट। तो इनको कहते हैं नोड। उसके बाद आप देखें स्टेम का जो है बेसिक फंक्शन क्या है, स्टेम का जो बेसिक फंक्शन है दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। जो बेसिक फंक्शन है स्टेम का दैट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फूड मटेरियल, जो कि फूड मटेरियल आपको पता है बेसिकली होता किससे है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। मैं उस फूड की बात कर रहा हूँ जैसे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो कि प्लांट खुद फॉर्म करता है, राइट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट इज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होती है वो बेसिकली होती है आपकी लीव्स में, जितने भी आपकी ग्रीन पार्ट है वहाँ पे, तो जो ग्रीन पार्ट है वो बेसिकली लीफ ही है आपका यहाँ पे, तो जो लीव्स है वहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस हो रही है, वहाँ से सारे के सारे फूड मटेरियल को
आपको पहुंचाना होता है डिफरेंट पार्ट्स तक, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सकें एंड एनर्जी ले सकें, राइट। साथ ही साथ ये और भी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि मिनरल्स, क्योंकि जो रूट्स हैं वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम तक पहुंचाती हैं, या फिर आप कहें तो शूट तक पहुंचाती है, और फिर उसे लेके जाना होता है लीव्स तक, फ्रूट्स तक, और आपके जितने भी स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रूट्स हैं और आपकी स्टेम्स हैं वो भी कई बार स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो जितने भी स्टोरेज ऑर्गन है वहाँ तक ये मिनरल्स या फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है, राइट। दूसरा इसका जो मेजर फंक्शन है किसी भी प्लांट में या ट्री में जो है, वो ये है कि ये एंकरेज या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। सपोर्ट यानी कि ये किसी भी ट्री को या फिर प्लांट को सीधा खड़े रहने में, जो रूट है उसके ऊपर सीधे खड़े रहने में और उसकी ब्रांचेज और लीव्स को फैलाने में हेल्प करता है, क्योंकि ब्रांचेज और लीव्स जितने ही ज़्यादा एरिया कवर करेंगी उतना ही ज़्यादा सनलाइट इन्हें मिल पाएगी, सनलाइट चाहिए इन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जितना ज़्यादा ये ग्रो करेंगे, जितना ज़्यादा एरिया में फैलेंगी उतना ज़्यादा सनलाइट मिल पाएगा, और उतना ही ज़्यादा जितना ही ज़्यादा सनलाइट मिलेगा उतना ही ज़्यादा ये फूड को सिंथेसाइज कर पाएंगे, राइट। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया आपका स्टेम का। उसके बाद जो आपके दो और फंक्शन आते हैं, उनमें से एक फंक्शन तो आपका है जो सिंपल फंक्शन है, दैट इज ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देता है जो जो स्टेम है वो प्रोटेक्शन देता है टू द प्लांट। ये जो है एक तो नॉर्मल जो प्रोटेक्शन की बात की गई है, क्योंकि जो हमारे जितने भी स्टेम्स हैं उनका देखा होगा आपने आउटर कवरिंग जो है वो हार्ड होती है, राइट। हार्ड कवरिंग होती है, जो छोटे श्रब्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं उनकी तो फिर भी ग्रीनिश उनकी स्टेम होती है, बट इनमें जो है हार्ड होती है, और कई बार इनके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप की थिकनिंग्स होती हैं, थिकनिंग्स होती हैं, और या फिर इनको कहें तो इनके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं डिफरेंट मटेरियल्स की, और ये जो लेयर्स और थिकनिंग्स हैं ये स्टेम को आउटर साइड से इतना हार्ड बना देती हैं कि प्रोटेक्ट करता है बाहर की किसी भी एनवायरनमेंट से, जैसे कि किसी बीटल या फिर फ्लाई एक्सेट्रा इसको डैमेज करने की कोशिश करें, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर है आउटसाइड में, टेम्परेचर हाई हो जाए, तो इन सब चीज़ों से बचाता है जो हमारा स्टेम है। और दूसरा जो इसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो सकता है प्रोटेक्शन के अंदर ही, ये थॉर्न्स भी फॉर्म करते हैं, राइट। ये आपने पढ़ा होगा, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आता है कि जो स्टेम है वो कई बार थॉर्न्स फॉर्म करते हैं, और थॉर्न्स भी जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। किससे प्रोटेक्शन के लिए? हर्बीवोर्स से। हर्बीवोर्स आपको पता है प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब खा लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो भी उसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट्स, लीव्स, फ्लावर्स, इनके पास कई बार आपने देखा होगा थॉर्न्स होते हैं, ताकि जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट को ना खाएं थॉर्न्स की वजह से। और एक जो आपका आखिरी फंक्शन है, दैट इज एक्चुअली अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, जो बेसिक जो आपका फंक्शन है उसमें नहीं आता है, ये है आपका मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो स्टेम है वो कई जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें मॉडिफाइड होती है। 10 से भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और स्टोरेज है इसके भी कई सारे एग्जांपल है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता होगा पटेटो, जो कि एक स्टेम का जो मॉडिफिकेशन है वो है, और वो स्टार्च को बेसिकली स्टोर करने के लिए बना हुआ है, राइट। अब आप यहाँ पे देखें तो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम को हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेम है हमारी वो किस किस तरीके से मॉडिफाइड होती है। तो परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं सिवाय जो हमने इधर ये फंक्शंस लिखे हैं, इनके अलावा मॉडिफिकेशन करती हैं। ये मॉडिफिकेशन में सबसे पहला और जो सबसे सिंपल मॉडिफिकेशन है आपका वो है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए स्टेम्स मॉडिफाई होती हैं। ये मॉडिफिकेशंस हैं क्या? जो स्टेम है वो स्वेल कर जाती है, ब्रॉड हो जाती है, और जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू स्टोर फूड। उनमें ज़्यादा बड़े वैक्यूल्स होते हैं और उनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो काफ़ी स्लोअर हो जाता है। ये भी मैं लिख दूँ, रेस्पिरेशन
रेट लो हो जाता है, राइट। एग्जाम्पल्स आप इनके नोट करें कि वैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट फिर भी आपको कई बार एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते, तो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे अलग से आपको नोट करवा दूँ। दैट इज योर पटेटो, जिंजर, टर्मरिक, ये सारे के सारे स्टेम हैं, ये आप बात ध्यान रखेंगे। और जो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो स्टोरेज के लिए है। ये मॉडिफिकेशन इन मॉडिफिकेशंस को डिफरेंट नेम भी दिए गए हैं, क्योंकि ये जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी यूज़ आते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फंक्शन भी ये परफॉर्म करते हैं, इसलिए इनको जो है डिफरेंट नाम भी दिए गए हैं। बट यहाँ पे जो स्टोरेज का फंक्शन है वो सारे के सारे परफॉर्म करते हैं, आपका पटेटो, जिंजर, देन जमीकंद, कोलोकेशिया, ये सारे के सारे जो हैं आपके स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड है। ये जो है आपके बेसिकली यूज होते हैं, जो आपका फूड इनमें स्टोर्ड होता है, ये क्यों होंगे आप, मतलब ऐसा लगता है कि व्हाई डज द प्लांट नीड टू स्टोर फूड, जबकि वो हमेशा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो ऐसा क्यों होता है कि उसे कभी कभी इस तरीके से डिफरेंट स्टेम मॉडिफिकेशंस में जो उसके फूड है उसको स्टोर करना पड़ता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एडवर्स कंडीशन आ जाएंगी, जब फोटोसिंथेसिस किसी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, उसको कोप करने के लिए ये डिफरेंट तरीके से फूड को स्टोर करके रखते हैं, ताकि उस टाइम पे वो इस फूड को यूज़ कर सकें, राइट। नेक्स्ट हमारी मॉडिफिकेशन जो है वो आती है ऑफ टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। टेंड्रिल्स जो हैं आपको पता है ये जो हैं बेसिकली पाए जाते हैं इन द क्रीपर्स। क्रीपर्स में ये देखा जाता है, क्रीपर्स किसे हैं जो कि क्लाइम करते हैं, क्लाइम ऑन अदर ट्रीज, जो बड़ी ट्रीज होती हैं उनके ऊपर कई बार क्लाइम करते हैं, और अदर सपोर्ट, यानी ये किसी सपोर्ट के सहारे जो है क्लाइम करते हैं, एंड अपना जो एंकरेज होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्टेम है उसका एक फंक्शन जो है सपोर्ट भी होता है, ये स्टेम को, ये जो ट्री है उसको अपराइट खड़ा रखने में मदद करती है, उसको फैलने में मदद करती है। बट ये जो क्लाइंबर्स होते हैं इनके अंदर जो है स्टेम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, ग्रीन स्टेम होती है, काफ़ी वीक स्टेम होती है, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट चाहिए होता है खड़े रहने के लिए एंड फैलने के लिए, राइट, किसी और प्लांट का या फिर किसी और रिजिड सपोर्ट का। इसका जो सबसे ज़्यादा मेजर एग्जांपल है वो है आपका गार्ड्स का। गार्ड्स जो है आपको डिफरेंट पता है, आपको कुकुम्बर, पम्पकिन और जो आपका वाटरमेलन है ये सब उसमें इंक्लूडेड हैं। इनमें जो है स्टेम की टेंड्रिल होती है, राइट, मैं यहाँ पे लिख दूँ कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड पम्पकिन्स, राइट। साथ ही साथ आपके जो डिफरेंट ग्रेप वाइन्स हैं, ग्रेप वाइन्स अंगूर जो हैं वो भी उन जो है स्टेम टेंड्रिल के ही सहारे से, सपोर्ट के सहारे से ग्रो होते हैं। आई वुड से कि आप ये सारे के सारे नोट्स को अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लें, दिस विल बी रियली हेल्पफुल, एंड इस तरीके से आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, एंड वीडियो के साथ साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको दोबारा से इस चैप्टर को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। नेक्स्ट हमारा जो मॉडिफिकेशन है दैट इज ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं, जब स्टेम जो है कंडेंस हो जाती है और बहुत ही पॉइंटेड स्टेम बन जाती है, पॉइंटेड वुडी और स्ट्रेट स्ट्रक्चर ये बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो है नुकीले स्ट्रक्चर इनको कहते हैं हम थॉर्न, और ये जो है प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं बेसिकली। इनका फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन का, कोई भी हर्बीवोर है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कांगे ईरा, कि ये जो है प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं थॉर्न्स जो है हर्बीवोर से, ताकि हर्बीवोर जो है उस प्लांट को खा ना जाए, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय ना कर दे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है हमारे पास सिट्रस एंड बोगेनविलिया है, सिट्रस है
एंड बोगेनविलिया, आपने देखा होगा बोगेनविलिया के पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं जो कि एक्चुअली लीफ लाइक दिखते हैं, एंड वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, लीफ जो है फ्लावर में कंडेंस हो जाती है, और उनमें आपने देखा होगा जो फ्लावर है उसके आस पास ही उसी स्टेम में चारों तरफ बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़े बड़े जो हैं थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। वो इसीलिए होते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके फ्लावर को और उसके वेजिटेटिव जो प्लांट है उसका, उसके सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट्स को। देन आपके कुछ और ऐसे फंक्शन हैं जो कि बहुत टिपिकल नहीं हैं मॉडिफिकेशन, कुछ आपके मॉडिफिकेशंस और हैं जो कि एरियल मॉडिफिकेशंस कहते हैं, यानी कि वो जो हैं एयर के, एयर में ही रहती हैं, यानी कि अबव ग्राउंड, अबव ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल ही रहती हैं वो जितनी भी आपके स्टेम हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड होती हैं बेसिकली ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो कि स्टेम के नहीं होते हैं। वो फंक्शन हो सकते हैं ऑफ लीफ या फिर फ्लावर, जो आपके लीव का फंक्शन परफॉर्म करने, लीव का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो दो होते हैं। पहला जो है आपका उसमें नंबर वन आता है या फाइलोड, फाइलोड में होता क्या है, इनमें जो है प्लांट इज प्रेजेंट इन एरिड, प्लांट प्रेजेंट इन एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड यानी कि ओपनशिया और फ्लैशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो कि यूफोर्बिया में होता है, और इन्हें कहते हैं फाइलोक्लेड। होता क्या है कि एरिड रीजन जैसे कि मतलब रेगिस्तान हो गया, कोई ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है और वहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम है, मॉइस्चर बहुत कम है, ऐसी हालत में होगा क्या, जो वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके, इससे बचने के लिए क्या होता है कि जो स्टेम है वो अपने आप को सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर या फिर इस तरीके से फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आपका सिलेंड्रिकल है उसका एग्जांपल है आपका यूफोर्बिया, एंड जो फ्लैटेंड है उसका एग्जांपल है ओपनशिया। जो यूफोर्बिया एंड ओपनशिया है इनमें जो स्टेम है वो लीफ का फंक्शन परफॉर्म करती है, इस तरीके से ब्रॉड या फिर सिलेंड्रिकल हो जाती हैं, ये ग्रीन हो जाती हैं, पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो अबंडेंट हो जाता है, ये जो है जो सनलाइट है उसको ट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। जो लीफ है वो कंडेंस हो जाती है और जो वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, लीव्स स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती है। इनमें जो फाइलोक्लेड है इनमें क्या होता है कि जितना भी ये, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है आपका पूरा का पूरा प्लांट है, यानी कि इनमें जो है कई सारे नोड्स हो सकते हैं, इंटर नोड्स हो सकते हैं, पूरा का पूरा जो प्लांट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फाइलोक्लेड। वहीं जो आपका दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज योर क्लेडोड, क्लेडोड में होता क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, वो भी सिलेंड्रिकल या फिर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, जो लीव्स है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इनमें होता क्या है कि ये जो है एक या फिर दो इंटरनोड लॉन्ग ही होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो कन्वर्ट नहीं होता है फाइलोक्लेड में या फिर ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस के लिए, कुछ पार्ट कन्वर्ट होता है, एक दो जो इंटरनोड है लॉन्ग, उसके बाद स्टेम जो है नॉर्मल कंटिन्यू कर रही है और एक स्टेम जो है उसमें से वन और टू इंटरनोड लॉन्ग वापस से क्लेडोड बन गई। सो इस टाइप का जो प्लांट्स होते हैं उनको कहते हैं क्लेडोड, मतलब उनमें जो स्टेम मॉडिफिकेशन है उसे कहते हैं क्लेडोड, और इसका एग्जांपल है आपके दो एस्पैरेगस, एस्पैरेगस एंड रस्कस। इनमें जो है फाइलोक्लेड के दोनों एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल टिक लगा रहा हूँ मैं, एंड जो एस्पैरेगस है क्लेडोड में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आपके कुछ जो हैं और जो एक और मॉडिफिकेशन आती है एरियल यानी कि अबव ग्राउंड जो मॉडिफिकेशन है उसमें, वो जो इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है तीसरी, वो एग्ज़ाम में भी आएगी और आपकी क्लास ट्वेल्थ में भी कई बार पूछी जाती है, दैट इज़ योर बल्बिल। आपका लास्ट जो मॉडिफिकेशन है दैट इज़ योर बल्बिल, और ये होता क्या है, ये स्वोलन होते हैं फॉर फूड स्टोरेज, इनमें फूड कुछ स्टोर्ड होता है और साथ ही ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। इनका स्ट्रक्चर आप आगे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। इनमें डिफरेंट ऐसे वेजिटेटिव फॉर्म्स निकल रही होती हैं जो कि आगे चल के इनसे जो है डिटैच होकर न्यू प्लांट फॉर्म कर लेते हैं, राइट। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं और इस तरीके से इनमें मॉडिफिकेशन होती है। लेयर बाय लेयर ये सारी फॉर्म्ड होते हैं। आप क्लास 12th की एनसीईआरटी में ये देखेंगे, वहाँ पे जाके आपके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज़ योर अगेव, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज़ योर अगेव। बल्बेरियन अगेव सबसे ज़्यादा कॉमन है। और उसके अलावा ये ऑक्सैलिस यानी कि सिट्रस फ्रूट्स में भी पाया जाता है और डायोसेरा इनमें भी आप इसे देख सकते हैं। देन हम बात कर लें कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन की। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्टोरेज जो आपकी मॉडिफिकेशन है वो कुछ अलग मॉडिफिकेशंस भी होती हैं जिनको डिफरेंट नाम भी दिया गया है फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो है आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स या फिर कह सकते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ये आपकी फोर टाइप्स की हो सकती हैं, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न एंड बल्ब। ये बल्ब बिल नहीं है, ये बल्ब है और ये कॉर्म है, एम है, एन नहीं है, कॉर्न नहीं है, राइट। तो सबसे पहले राइजोम की बात करें तो राइजोम का सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा है टर्मरिक का, क्योंकि टर्मरिक आपने मतलब देख रखा है बाहर, मतलब बाहर भी आपके घर पे भी होगा। बट इसके अलावा टर्मरिक के अलावा जो इसका एग्जांपल है दैट इज बनाना, उसमें भी राइजोम होता है। और साथ ही साथ आपके कई फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक डहलिया, इनमें भी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज राइजोम। तो आप राइजोम का स्ट्रक्चर समझ गए हैं। इसमें होता क्या है कि जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होती है, उनमें नोड्स और इंटरनोड्स होंगी। एज आई टोल्ड यू कि स्टेम का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है ये कि उसमें नोड्स और इंटरनोड्स हमेशा होंगी और नोड्स से लीफ निकलती हैं, तो वो जो है कंडेंस्ड होती हैं और बहुत ही शॉर्ट कंडेंस्ड और ड्राइड लीव्स होती हैं इनमें, राइट। ये आप बनाना में सबसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं इन लीव्स को भी। टर्मरिक में क्योंकि आउटर कवरिंग उसकी हटा दी जाती है इसलिए वो दिखाई नहीं देता है, राइट। उसके बाद ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर का एग्जांपल है हमारे पास पटेटो। पटेटो जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्यूबर का। ट्यूबर का भी आप स्ट्रक्चर पटेटो को देख के समझ ही गए होंगे। इनमें जो है पूरा का पूरा लीव कंडेंस्ड होता है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब ज़्यादा राउंडेड टाइप होता है, पॉइंटेड साइड नहीं होती इनमें। इनमें भी नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। ये आपके जो आईज दिखते हैं आपको जो पटेटो है इसके ऊपर, जिनमें से कुछ बर्ड्स टाइप भी निकले होते हैं। कई बार आप देखें अगर उसको मॉइस्चर वाली जगह पे आप पटेटो को रख के छोड़ दे तो उनमें से कुछ बर्ड्स भी निकल रही होती है, ग्रीन कलर की, वाइट कलर की। तो वो जो है बेसिकली लीव्स और स्टेम निकल रही होती है नई वहाँ से, क्योंकि एक नोड है वहाँ से नई लीव्स और नई स्टेम निकल रही होती है। और इनके बीच का जितना भी एरिया है जिसे हम एक्चुअली खाते हैं दैट इज योर इंटरनोड, राइट, इट इज़ अ स्टेम। उसके बाद कॉर्न की बात करें तो कॉर्न का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एमॉर्फोफेलिस। एमॉर्फोफेलिस तो ये भी आपने देख रखा है दैट इज योर जमीकंद, इसकी भी सब्जी बनती है, दिस इज वेरी फेमस। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जिनमें एक या फिर दो नोड ही आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी जो स्टेम्स हैं इनमें से स्टेम या फिर कह सकते हैं ट्राइकोम्स जो आपके स्टेम की हेयर्स होती हैं वो निकल रहे होते हैं और ये जो है काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है इसके ऊपर। लास्ट हम बल्ब की बात करें, बल्ब भी आपने बहुत ही कॉमन देख रखा है दैट इज़ योर गार्लिक एंड अनियन, क्योंकि ये दोनों एक ही जीनस से आते हैं आपको पता है। तो ये जो है दोनों के दोनों बल्ब में आते हैं। तो बल्ब का भी आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। इनमें होता क्या है, जो लीफ है वो जो स्टेम है वो तो कंडेंस हो जाती है बहुत छोटे से पार्ट में और एक ही नोड होती है जितनी भी, क्योंकि सारे के सारे स्टेम कंडेंस हो गए तो नोड्स यहीं पर हैं। और इनमें से जो लीव्स निकलती हैं वो आपस में इस तरीके से जॉइंटेड होती हैं कि आपने इस तरीके से देखा होगा गार्लिक में आपस में बहुत सारी जुड़ जाते हैं। और जो अनियन है उनमें लीव्स जो है ब्रॉड होती हैं, वो एक के ऊपर एक कवरिंग बनाती जाती हैं इस तरीके से और
नीचे जो है छोटा सा स्टेम का कंडेंसेशन होता है। अगर आपको आप अनियन को भी कुछ टाइम तक मॉइस्चर वाली जगह पे रख दें, पानी में मतलब पूरा समर्ज करके नहीं थोड़ा सा रख दें, तो यहाँ से भी नई स्टेम और लीव्स ओरिजिनेट हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ तक आपने हैंड रिटन नोट्स के साथ रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास लीव्स एंड फ्लावर बस दो पार्ट बचा हुआ है इस चैप्टर का, जो कि हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। शूट सिस्टम में आपने पढ़ा, अभी तक मैं एक समरी दे देता हूँ, पूरे चैप्टर का ही दे देता हूँ। एक्चुअली चैप्टर में आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वर्ड से लेके यानी मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट किसकी हम बात कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, शूट और रूट किस तरीके से फॉर्म हुए होते हैं, और साथ ही साथ उनके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस। हमने सबसे पहले रूट के मॉडिफिकेशंस की बात करी, सबसे पहले उसके मेन फंक्शन और फिर मॉडिफिकेशन। उसी तरह जब हम शूट कर रहे थे तो शूट में भी हमने पहले उसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और वो किस तरीके से फॉर्म्ड होता है उसकी बात करी थी। देन हमने उसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, जो कि मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए भी हो सकती है और साथ ही साथ वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि उसको सपोर्ट देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और या फिर उसके स्पेशल फंक्शन जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा करने के लिए भी काम आ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ये उन्हें भी हेल्प कर सकता है। एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी तरीके की वीडियोस ला सकूं, रिवीजन करवा सकूं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।